नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बेगूसराय में लगातार बढ़ रहे अपराध के बीच अब बेगूसराय की पुलिस ने भी अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए पूरी तरह कमर कस ली है और इसी कड़ी में बीती रात जमकर छापेमारी की गई और इस अभियान की कमान बेगूसराय के SP योगेंद्र कुमार ने खुद अपने हाथों में रखी। बेगूसराय के SP योगेंद्र कुमार ने बताया कि जिले के सभी थाना क्षेत्रों में फरार चल रहे अपराधियों की सूची बनाई गई है और जिनकी गिरफ्तारी के लिए सभी थाना क्षेत्र में विशेष टीम का गठन किया गया है जो शनिवार की पूरी रात छापेमारी कर अपराधियों को गिरफ्तार करेगी। उन्होंने बताया कि कुल 40 अपराधियों की सूची बनाई गई है जो लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहे हैं और पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और उनकी गिरफ्तारी के लिए यह छापेमारी अभियान लगातार जारी रहेगी। साथ ही साथ जो व्यक्ति यहाँ से फरार चल रहे हैं और जिनकी कुर्की निकल चुकी है, आज उनकी कुर्की जब्ती के लिए भी पुलिस टीम अभियान चलाएगी। गौरतलब है कि जिले में अपराध करने के बाद अपराधी अनियंत्रित फरार हो जाते हैं और वह पुलिस को चकमा देते रहते हैं, लेकिन अब SP योगेंद्र कुमार ने खुद इनकी कमान अपने हाथों में रखी है और लगातार छापेमारी के निर्देश SP योगेंद्र कुमार के द्वारा दी गई है। तस्वीरों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि किस तरह शनिवार की पूरी रात पुलिस ने विभिन्न इलाकों में छापेमारी की। आज हमारे जिले की पूरी पुलिस सभी लोग स्ट्राइक पर निकले हुए हैं। आज मैंने आदेश दिया है कि गांव वार जितने भी अपराधी वांछित हैं, वारंटी हैं या सामाजिक तत्व हैं, सभी की सूची सभी पुलिस स्टेशन में बन गई है। पिछले एक महीने से ये काम हम लोग करा रहे थे और आज सभी को आदेश दिया है कि सब लोग रात में निकले हैं और इन वांछित अपराधियों को, असामाजिक तत्वों को, वारंटियों की आज गिरफ्तारी की जा रही है और जिनकी कुर्की है कल उनकी कुर्की भी की जाएगी। इसी क्रम में आज मैं और सदर सब डिवीजन की पूरी टीम, हमारे 18 पुलिस स्टेशन की टीम, आज हम लोग रतनपुर के हेमरा गांव में आए हुए हैं और यहाँ पे जो वांछित अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी करा रहे हैं और ये प्रक्रिया आज हम लोग की पूरी रात भर चलेगी। कितनों जगहों पे छापेमारी है सर? आज देखिए करीब हमारे 34 पुलिस स्टेशन में 34 ऐसे गांव सभी ने आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ सबसे ज़्यादा अपराधी इस समय हैं और उन सबकी गिरफ्तारी के लिए समय प्रक्रिया चल रही है। आज हम लोग हेमरा में आए हैं, मुंगेरीगंज जाएंगे, उसके बाद पोखरिया जाएंगे। करीब 40 अपराधियों की सूची हमारे हाथ में है और सभी के घरों पर आज पुलिस दबिश डालेगी और कोशिश ये रहेगी कि सभी को गिरफ्तार करके कल जेल भेजा जाए। जो नहीं भी हैं, जो भाग गए हैं पुलिस का नाम सुन के, कल उनकी तलाश में पुलिस फिर से कल निकले। वी टाइम न्यूज़ के लिए बिहार बेगूसराय से नबी आलम की रिपोर्ट।